योगी पुरुष मन और चित्त को कैसे वश में करे, यह उपदेश इस मंत्र में किया है। उपयामा गृहीता इत्यस्य गौतम ऋषि मगवा देवता आर्ष उष्णिच्छन्दः ऋषभः स्वरः। ओम उपयामा गृहीतोऽस्यान्तर्यच्छ मगवन् पाहि सोमं पुरुष्याराय एषो यजस्व। हे योग चाहने वाले साधक, तू योग में प्रवेश कर, अपने चित्त को शांत कर, योग के नियमों का पालन कर, यम नियम को ध्यान में रखकर जो साधक संयमी रहता है, अविद्या आदि कलेश को दूर करता है, उसको योग विद्या प्राप्त होती है। योग जिज्ञासु को चाहिए कि योग के अंगों से चित्त आदि अंतःकरण की वृत्तियों को थाम कर आत्मबल को दृढ़ करे, जिससे उसे रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति हो और योगस्थ होकर अपनी इच्छा सिद्धियों से आनंद प्राप्त करे। सब ऐश्वर्यों के ऊपर, सब प्रकार के आनंदों के ऊपर परम आनंद है, वही परमात्मा है। योग साधक को चाहिए कि परमात्मा के आनंद को ही सर्वोपरि रखे, जिससे योग की सिद्धियां निरंतर संग रहें। समाधि अवस्था में योगी को परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त होती है, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है।